नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme X7 Pro vs OnePlus Nord CE2 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X7 Pro में 6.33 इंच जबकि Nord CE2 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो X7 Pro में 2.96 इंच जबकि Nord CE2 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि X7 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो X7 Pro में 0.33 इंच जबकि Nord CE2 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X7 Pro में 184 ग्राम्स जबकि Nord CE2 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X7 Pro में सुपर AMOLED जबकि Nord CE2 5G में फ्लूइड AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X7 Pro में 6.55 इंचेस जबकि Nord CE2 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X7 Pro में 85.66% जबकि Nord CE2 5G में 84.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X7 Pro में 402 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nord CE2 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X7 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Nord CE2 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में तारांकन मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X7 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nord CE2 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X7 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Nord CE2 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X7 Pro में माली G77MC9 जबकि Nord CE2 5G में माली G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X7 Pro में MediaTek Dimensity 1000+ MT6889Z और Nord CE2 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो X7 Pro में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Nord CE2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X7 Pro में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nord CE2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो X7 Pro में नहीं है, जबकि Nord CE2 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X7 Pro में Android V10 क्यू जबकि Nord CE2 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
X7 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Note CE2 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X7 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 है, दूसरा Vivo X60 Pro है, तीसरा OnePlus 9R है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11 X Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।